जानता है।
चाहे उसके पास खबरें न भी पहुंचती हो, टीवी न पहुंचता हो, अखबार न पहुंचती हो, टेलीफोन न पहुंचता हो, मोबाइल न पहुंचता हो, फिर भी उसके पास बात पहुंच जाती है कि हमारे देश का कौन तो भला चाहने वाला है और कौन इस देश को गलत रास्ते पर ले जाएगा। आज सवाल है देश का, इस देश को किस दिशा में लेके जाना है। आजादी मिले हुए हमको 72 साल हो गए, लेकिन 72 सालों में हमारे देश की जो सरकारें बनी हमारे देश की दिशा तय नहीं कर पाए। हमको अपने देश की रक्षा सुरक्षा, इसकी एकता अखंडता, इसको बरकरार रखनी है। और जब इस पर चोट पहुंचने लग जाए तो आम नागरिक बोलना शुरू करता क्या होगा। आज उस स्थिति में हम सोचते हैं कि इस देश में आतंकवादी आतंक फैला रहे हैं, जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी उनके नाम पहुंचने चला रहे हैं, एक तरफ तो आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर सर्जिकल स्ट्राइक ये करवा रहे हैं पुलवामा के बाद, और एक तरफ कांग्रेस और मैनिफेस्ट तो उनसे कहते हैं कि हम देशद्रोह का कानून समाप्त कर रहे हैं। 124 धारा देशद्रोह का कानून, यानी इस देश के टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, जो भाषण देते हैं, नारे बोलते हैं, उनको भी आप जेल में नहीं डाल सकते, चाहे देश के बारे में कुछ भी बोलो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश में भूमि का टुकड़ा नहीं है, इसको बटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए देश, ये देश हमारी माँ है, भारत हमारी माता है। माँ के टुकड़े अगर बेटे के सामने जो करे और बेटे को गुस्सा ना आए तो बेटा सपूत नहीं कपूत कराएगा, कपूत कराएगा। और ये कांग्रेस से कर रही है, कांग्रेस ने कहा कि हम कश्मीर में से सेना को कम कर देंगे, हम सेना के अधिकार उनको कम कर देंगे, बदल देंगे। और क्या बहाना लेते हैं, एक रहस्य की बात आपको पता लगे कि नहीं लगी, उन 2016 के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लीड करने वाले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर डीएस हुड्डा। अब डीएस हुड्डा राहुल गांधी के संपर्क में आ गए, वो भी समझते थे कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक जिसने की है देश की एकता के लिए, सुरक्षा के लिए, वो अच्छे आदमी होंगे, इनसे देश की सुरक्षा की रिपोर्ट करवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की रिपोर्ट बना के दीजिए, हम अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालना चाहते हैं। डीएस हुड्डा ने 42 पेज की रिपोर्ट बना के दी, और उस 42 पेज की रिपोर्ट में जो उन्होंने दिया कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एकदम उसके उलट किया, एकदम उलट किया। और राहुल गांधी कहते हैं मैंने तो डीएस हुड्डा की रिपोर्ट ली थी, वो हमने लिखी है, उसने ये नहीं कहा था कि आप कश्मीर में सेना कम कर दो। ये छोटा एनडीटीवी में अपने इंटरव्यू में कह के गए हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मेरी एक भी बात रिपोर्ट में लिखी नहीं, नाम मेरा ले रहे हैं। तो भाइयों इनकी अपनी अकल कुछ नहीं है, और जो कोई इनको ठीक ठाक बताए उसको भी उल्टा करके ले देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टो की कमेटी है, उसमें जो लोग हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया क्या कि महीने के 12,000 रुपया दे दो, फिर कहते हैं साल के 72,000 दे दो। गणती समझ में नहीं आया कि महीने के 12,000, साल के 72,000, अरे साल के महीने 6 नहीं होते, 12 होते हैं, ये तो उनका गणित है। वो 6 महीने के 12 के 72,000 बोल रहे हैं, और उसमें भी खेल मेरा कोई उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लोग प्रश्न उठाते हैं कि टैक्स लगाओगे कहां से पैसा आएगा, 3,60,000 करोड़ रुपया साल का, बताइए तो आएगा कहां से, कोई शेडो बजट तो दे दो, बता तो दो। आज हमारे प्रधानमंत्री अगर वो 5,000 करोड़ रुपए का या 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं तो पहले हिसाब लगाते हैं कहां से आएगा। हमने वन मंथ पेंशन सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को दी 35,000 करोड़ रुपए का, पहले इंतजाम किया, इंतजाम करके तुरंत उनके खर्चे में डाल दिया। हमने कहा हर किसान को साल का 6,000 रुपया मिलेगा, 2,000 रुपया हर 4 महीने के बाद मिलेगा, पहले हिसाब लगाया कितना आएगा, कहां से हम देंगे। जब हमने विधानसभा में कहा कि हम भी 6,000 रुपया साल का देंगे, किसानों को देंगे, और जो किसान नहीं है, मजदूर है या खेती है काम करने वाले, जिनकी आयु नहीं, 660 करोड़ रुपया बनता है, हमारे पास 660 करोड़ रुपया है, हम देंगे, हम देंगे।
हिसाब किताब में झगड़ा नहीं कर सकते हम। एक मिनटों में हम फिर उस पर जानते हैं किताब ऐसा कहां से आएगा कहां जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 30 साल से लटका हुआ जीएसटी का कानून उसको लागू किया और लागू कराने के बाद बहुत पहले हम चाहते हुए वहां से दिया था, कांग्रेस लागू नहीं कर पाई। हमने लागू किया और हमने 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से काला धन जो रुपये जो उसके माध्यम से लोग बही खाते एक सिंगल रखने लगे उसके माध्यम से टैक्स आया है। उस टैक्स का खर्चा जनता को कर रहे हैं। तुम्हें लाखों करोड़ रुपया पहले लेते हैं आता तो वो टैक्स के माध्यम से ही है, लेकिन जो टैक्स चोरी होती थी वो चोरी का पैसा उनके घर में जाता था, वो सरकार को आता, सरकार गरीब जनता को खर्च करती है। मेरा कहना यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत काम किए हैं केंद्र सरकार ने, लेकिन दो मुख्य बातें ध्यान रखनी होंगी कि एक तो देश की रक्षा सुरक्षा के बारे में पहला काम है, हम इसके ऊपर किसी की नजर अगर लगेगी तो उसकी आंख फोड़ देंगे, तो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट देंगे। ये देश बड़ी मां है कि भूमि का टुकड़ा नहीं है, मित्रों कोई समझौता इसका नहीं होगा। और आज देश की जनता जान चुकी है किसी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कौन मजबूत आदमी है। अब तो मैं समझता हूं देश का प्रधानमंत्री तो लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। केवल 12 मई को हमने अब वोट डालकर कांग्रेस के ऊपर अपने वोट की चोट करनी है। इस चोट के कारण से हमने इस बात को केवल साबित करना है और वो 12 मई आने वाली है। दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया वो गरीबों के जीवन में बदलाव, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए केवल नारे नहीं दिए। हमने कहा कि हर गरीब के घर के यानी सड़क के ऊपर पक्की छत होगी, 2022 टारगेट है, 2022 तक हर व्यक्ति का पक्का मकान होगा, ये हमारा टारगेट है। हमने कहा गरीब के परिवार का कोई आदमी बीमार होता है ऐसी उसको पीड़ा होती है, लाइलाज हो जाता है या इलाज में खर्चा ज्यादा आता है और वो लाखों रुपए का कर्ज ले लेता है, अपनी जमीन जायदाद बेच लेता है, इसकी बजाय उसकी सहायता हर परिवार की 5 लाख रुपया साल की पूरे परिवार के गोल्डन कार्ड बना दी है। अब तो आगे आने वाली कर दिया है, करता है कि हर रसोई में हमारी बहन को माता को किसी को धुआं न सहना पड़े, लकड़ी की आग न जलानी पड़े, उसको घुसते उपले गोबर इससे अपना खाना बनाना पड़े, कोयले की भट्टी न जलानी पड़े, उसको मिट्टी के तेल से स्टोव न जलाना पड़े, बल्कि हर रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचे। और मेरा दावा है आज हरियाणा के हर घर में गैस का सिलेंडर है, कोई घर बचा नहीं होगा। और कोई बच गया हो तो सूचना देने वाले को भी, जो बच गया उसका 1600 रुपया उसको सब्सिडी का तो देंगे ही, साथ में जो सूचना देगा उसको 100 रुपया अलग उसके साथ दे देंगे, जो सूचना दो बताओ किसके घर में नहीं है। और सूचना देनी हो तो मैं आपको जिन बहनों ने कहा है हाथ खड़े किए हैं, सूचना देनी हो तो यहां का कोई तहसीलदार है सीएम, क्योंकि आचार संहिता लगी है इसलिए अधिकारी आज को यहां आया नहीं, वरना अधिकारी को फिर पर खड़ा करता हूं, आप जाकर के वहां अपना फार्म भर के ले आओ, अपना कार्ड राशन कार्ड है वो देखा हो जाके अपना घर नंबर दे आओ, 48 घंटे के अंदर अंदर आपके घर गैस का कनेक्शन पहुंचना ये हमारी गारंटी है। और मैं तो मजाक में कहता हूं 48 घंटे में ना मिले तो हमारे जितने नेता मंच पर बैठे हैं ना इनके घर चले जाना और इनका सिलेंडर उठा के ले आना, वो क्या बात करेंगे। इसलिए किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं है तो 48 घंटे के अंदर अंदर और गैस का सिलेंडर दिलवाना, ये सब जिम्मेवारी नेताओं की है। आप कोई भी नेता के घर पहुंचाना और जाकर के ले जाना, हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, यहां तक हम करते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि कोई समस्या ऐसी छोटी समस्या सारे हरियाणा की हल करनी हम कर देते हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा कि हमारे यहां शमशान घाट में जब कोई भगवान को प्यारा हो जाए तो उसके दान संस्कार के लिए जाते हैं, वहां का जो रास्ता है वो कच्चा है, बरसात होने पर कीचड़ हो जाती है, लकड़ी गीली हो जाती है, बड़ी मुश्किल नहीं होती है। मैंने कहा क्या क्या काम करना है, कहीं रास्ता बनवा दो, एक शेड लगवा दो, जानकारी बनवा दो, पीने का पानी हाथ धोने का पानी वहां हो जाए, हैंडपंप वगैरह कुछ हो जाए तो टैंकी लग जाए। मैंने कहा खर्चा कितना आना, एस्टिमेट बनवाया 30-35 लाख का खर्चा बना। मैंने तुरंत अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा पता करो हरियाणा के इतने
के जितने भी शमशान घाट और कब्रिस्तान हैं सबने चारों काम करा दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा 750 करोड़। आज कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें चार चीजें ना हो, या तो काम चल रहा होगा नहीं तो अगले विधानसभा के चुनाव से पहले सब जगह ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ गांव के अंदर ये सरकार के काम को करने के लिए सरकार ने कुछ किया है क्या? किसके गांव में किया? चार दीवारी है, रास्ता है, शेड है, इतने गांव में हुआ है और जिनमें नहीं हुआ है फिर नेताओं के जिम्मे है। अपने आके बता दो आपके गांव का शमशान घाट और कब्रिस्तान पूरे हरियाणा के साथ होंगे। हरियाणा के तालाबों की खुद हमने देखी 14,000 तालाब हैं इस इलाके में, तो ओवर फ्लो तालाब ज्यादा है। दक्षिण हरियाणा में सूखे तालाब मिलेंगे लेकिन यहाँ ओवर फ्लो है और पशु भी पानी नहीं पी सकते हैं। हमने कहा 14,000 के 14,000 तालाब को ठीक करने के लिए अलग से एक तालाब प्राधिकरण हरियाणा बॉर्ड अथॉरिटी ने बना दी है। आने वाले 5 साल में हरेक तालाब की उसकी स्पोर्ट वाल उसका जो कोई ना कोई साफ पानी का डालने के लिए उसका एक्सटेंशन का केंद्र बनाना, वहां कोई ट्यूबवेल लगा करके उस पानी से इरीगेशन कराना ताकि वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आ जाए। तो ऐसे सब काम सोलर पंप वाला करने से ऐसे 14,000 से 14,000 तालाबों में आने वाले 5 साल में सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे, इस काम को तो शुरू कर दिया है। तो इसलिए मित्रों हमने जितने भी पानी का जिन इलाकों में नहीं आता था तेल तक पानी 40-40 साल से नहीं पहुंचा था दक्षिण हरियाणा में भिवाड़ी हिसार जिले में उस सब में तेल तक पानी पहुंचा दिया। इलाके के गुंडे कुछ जिलों के अंदर जितने भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि क्राइम करने वाले लोग उन पुस्तक को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया है। मित्रों हमारी भावनाओं को ध्यान रखकर के हमारी देश नियति को ध्यान में रखकर के मैं आपको वादा करता हूं और जो इस समय हो चुका है क्या गुंडे सारे जेल में पानी खाली तेल में छोड़ेंगे नहीं। मित्रों देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को कहा है कि मैं चौकीदार हूं और चौकीदार होने के नाते से उन्होंने कहा कि देश की रक्षा सुरक्षा जो हमारा काम है वहां इसमें सबका सहयोग चाहिए। इन सहयोग करने के लिए सब लोगों ने 130 करोड़ जनता ने कहा है उन्हें चौकीदार बनाएंगे। जब से उन्होंने चौकीदार कहा है तब से बड़े बड़े ऐसे चोर करके वो काम नहीं कर रहे हैं, छापे चल रहे हैं, उनकी जो संपत्तियां हम सुरक्षित हो रही है। अपने आप को चौकीदार तो मैं ऐसे कहा करता हूं कि चोर काम पे चमके देश का बच्चा बच्चा बोले, देश का बच्चा बच्चा बोले, इस चौकीदार वाली भावना से हमने काम करना है। जैसे हमने बताया कि 12 मई का दिन उस दिन चुनाव के समय मोदी की झोली में डाल दी है। 12 मई को पोलिंग होगी, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? 23 मई कांग्रेस गई, 23 मई इतना काम करके दिखा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।